वो जल के मार्ग से है, अगले तीन महीने तक मजदूर से वो पैसा नहीं ले रहे हैं तो है, वहाँ पर उनसे पूछा क्या आपने कि तो आपने इनको पैदल क्यों चलने दिया जनरल साहब सहारा न्यूज नेटवर्क इकलौता ऐसा चैनल है हमारे चैनल का नाम है सहारा होंगी सर आपको नाम सारा समय में आपका स्वागत है मैं हूं अनुज शर्मा और शाम के इस वक्त पांच बज चुके हैं और पांच बजे आपके लिए लेकर आए हैं एक खास शो इस शो में स्पेशल आ, स्पेशल शो में आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे बुंदेलखंड पर दरअसल 16 जुलाई यानी कि शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुंदेलखंड का दौरा करेंगे और दौरान वो बुंदेलखंड वासियों को एक्सप्रेस वे की सौगात देंगे और आज हम बुंदेलखंड के विकास पर बात करेंगे तो बुंदेलखंड वासियों को प्रधानमंत्री मोदी की 16 जुलाई यानी कि शनिवार को एक्सप्रेस वे की वो सौगात देने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक क्लिक से एक्सप्रेस वे के शिलापट्ट का लोकार्पण वो करेंगे और इससे पहले वो जीप से एक्सप्रेस वे का अवलोकन करेंगे बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का उद्घाटन करने के लिए कैथोरी टोल प्लाजा पर प्रधानमंत्री के आगमन के दौरान इनर इंडिया हाईवे सील रहेगा और उनकी ट्रायल चकेरी कानपुर के सहयोग से कराई गई है और फिर प्रधानमंत्री के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग होगी कथहरी टोल प्लाजा और प्रधानमंत्री के जनसभा स्थल के आसपास रेत की कलाकृतियां बनाई गई हैं ताकि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम बेहद भव्य नजर आए और जनसभा में आने वाले सभी लोग इन कलाकृतियों को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाएं। प्रदेश की जनता को एक और एक्सप्रेस वे की सौगात 16 जुलाई को मिलने जा रही है और यह एक्सप्रेस वे बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे है जिसका उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे प्रदेश का यह पांचवा एक्सप्रेस वे होगा और यहां एक्सप्रेस वे से लगभग आठ महीने पहले यह बनकर तैयार हो गया था आपको दिखाते हैं संवाददाता रजत सिन्हा की यह खास रिपोर्ट खंड के लिए बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे विकास लगभग 300 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे अपने निर्धारित समय से लगभग आठ महीने पहले बनकर तैयार हो गया है 29 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया था चित्रकूट बांदा महोबा हमीरपुर जालौन औरैया और, और इटावा जिलों से होते हुए बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे और आगरा एक्सप्रेस वे और यमुना एक्सप्रेस वे के सहारे देश की राजधानी दिल्ली से जुड़ेगा चौदह हजार आठ सौ उनचास करोड़ की लागत से बनने वाला यह एक्सप्रेस वे बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा दो सौ छियानबे किलोमीटर लंबा बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे महज अट्ठाईस महीनों में ही बनकर तैयार हो गया है जबकि 36 महीनों का लक्ष्य तय किया गया था बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के निर्माण के लिए एक, एक करोड़ रूपए की बचत इस एक्सप्रेस के निर्माण में हुई है अभी चार लेन में हुए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को आगे चलकर छह लेन तक बढ़ाने की योजना है यह एक्सप्रेसवे राज्य के सात जिलों को जोड़ता है जिसमें तेरह इंटरचेंज पॉइंट होंगे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से इटावा के पास जुड़ेगा जिससे दिल्ली एनसीआर के साथ लखनऊ वालों को भी बुंदेलखंड तक सीधा रूट मिल जाएगा बुंदेलखंड राज्य में बनने वाले डिफेंस कॉरिडोर की सफलता के लिए भी बेहद अहम है बांदा और जालौन जिलों में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए भी काम शुरू हो चुका है चित्रकूट में यह एक्सप्रेस राष्ट्रीय राजमार्ग 35 पर खत्म हो रहा है जो झांसी को प्रयागराज से जोड़ता है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे यूपी का पांचवा एक्सप्रेसवे होगा इससे पहले राज्य में नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे ग्रेटर नोएडा को आगरा से जोड़ने वाला यमुना एक्सप्रेस वे फिर तीन सौ दो किलोमीटर लंबा आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे और लखनऊ को गाजीपुर से जोड़ने वाला तीन सौ इकतालीस किलोमीटर लंबा पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बन चुका है छठवा एक्सप्रेस वे प्रयागराज से मेरठ के बीच पांच सौ चौरानबे किलोमीटर लंबा होगा तो गंगा एक्सप्रेस वे पर भी काम तेजी से चल रहा है चित्रकूट बांदा महोबा हमीरपुर जालौन औरैया और इटावा जिलों से होते हुए बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे आगरा एक्सप्रेस वे और यनमा एक्सप्रेस वे के सहारे देश की राजधानी दिल्ली से जुड़ेगा चौदह करोड़ की लागत से बनने वाला यह एक्सप्रेस वे बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए निश्चित ही किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा सारा समय के लिए लखनऊ से कैमरामैन समीम हुसैन के साथ रजत सिन्हा और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं लखनऊ से राजनीतिक विश्लेषक अजय उपाध्याय और स्टूडियो हमारे साथ मौजूद हैं हमारे डिप्टी एडिटर श्री अजय मिश्रा जी पहले अजय जी आपके पास मैं आना चाहूंगा अजय जी ये बात है 95 की मैं ट्वेल्थ में था और मनोहरमा ईयरबुक एक बुक आती थी मनोरमा ईयरबुक उसमें बुंदेलखंड के किसानों की आत्महत्याओं को किस्सों को मैंने पढ़ा था अजय जी आज के मुताबिक वर्तमान समय में आप कैसे देखते हैं क्या मनमोहना ईयर बुक में इस तरह की किताबें इस तरह की तस्वीरें छप रही हैं क्या वैसा ही आज बुंदेलखंड रह गया है जैसा हमने उसके बारे में सुना था कि किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं किसान सूखे से पीड़ित हैं किसान खेत बेचकर जा रहे हैं क्या अजय जी आज आज बुंदेलखंड ऐसा रहा है जी बेशक जो पंचानवे की आप बात कर रहे हैं पंचानवे जैसी स्थिति तो नहीं है लेकिन किसानों की अगर स्थिति देखी जाए तो बहुत किसानों की जिंदगी में बहुत परिवर्तन नहीं आया है बुंदेलखंड अभी भी देश का एक बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका है इसमें कोई संदेह नहीं कि मौजूदा सरकार प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही बुंदेलखंड के विकास के लिए बहुत ही शिद्दत से लगी हुई हैं और जाहिर तौर पर इसका कुछ असर भी दिख रहा है इसी असर की कड़ी में ये जो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का उद्घाटन होने जा रहा है और बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे निश्चित तौर पर आने वाले दिनों के लिए बुंदेलखंड के लिए बहुत सारी संभावनाएं खोलेगा पर आप जो सवाल कर रहे हैं किसानों की स्थिति में क्योंकि किसानों की स्थिति में परिवर्तन करने के लिए जिन चीजों की जरूरत है वो एक्सप्रेसवे सीधे नहीं पहुंचाता है एक्सप्रेसवे कनेक्ट करता है जैसे कि आप जो पंचानवे की बात कर रहे हैं मैं बताऊं कि पंचानवे के समय शायद उससे एक दो साल पहले मैं दिल्ली से आगरा गया था और दिल्ली से आगरा जाना मतलब इतनी परेशानी थी आगरा जाने में कि ऐसा लगता था कि आदमी पहुंच पाएगा कि नहीं पहुंच पाएगा रास्ते में कोई लूट लेगा लेकिन दिल्ली से जैसे आगरा एक्सप्रेस से कनेक्ट हुआ उसके बाद सारी बातें खत्म हो गई और ऐसा लगता था कि जैसे दिल्ली और आगरा में कोई दूरी नहीं रह गई और एक्सप्रेसवे के बनने के बाद में आगरा के पर्यटन में बहुत बढ़ावा मिला उसी तरीके से आगरा के साथ जब ये ताज एक्सप्रेसवे से उसको जोड़ा गया पर्यटन और बढ़ा पर पर्यटन के बढ़ने का मतलब ये नहीं होता है कि बाकी सारी चीजें भी बढ़ जाती हैं बुंदेलखंड निश्चित तौर पर देश का एक बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र रहा है और इसके विकास के लिए सरकार जो कर रही है इस एक्सप्रेसवे से बहुत कुछ उसमें मदद मिलेगा मदद इस मायने में मिलेगा कि इसकी कनेक्टिविटी दिल्ली से जुड़ हो जाएगी इसकी कनेक्टिविटी लखनऊ से हो जाएगी इसकी कनेक्टिविटी कानपुर से हो जाएगी, जाएगी। हालांकि अभी भी लखनऊ और कानपुर से वो कनेक्टेड है झांसी बुंदेलखंड का एक बड़ा बा 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 शहर है और झांसी विकसित शहर है लेकिन अगर झांसी को छोड़ देते हैं तो पूरे बुंदेलखंड में उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में ऐसा कोई बड़ा शहर नहीं है और शहर के साथ साथ जो सबसे जरूरी होती है कि बुनियादी सुविधाओं का होना विकास के लिए बुनियादी सुविधाओं के साथ साथ वहां पे औद्योगिकरण का होना लोगों को रोजगार मिल पाए और रोजगार मिल पाने के लिए ऐसा क्या हो रहा है सुनने में आया है और 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 सरकार इस पे काम भी कर रही है कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के साथ साथ ही बांदा इंडस्ट्रियल जोन और उसके साथ में जालोन इंडस्ट्रियल जोन को भी विकसित करने की बात हो रही है इसको बड़े इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से जोड़ने की बात हो रही है अगर ऐसा आने वाले दिनों में हो पाता है और सरकार इसको ठीक से कर पाती है तो निश्चित तौर पे ये एक्सप्रेसवे बहुत बड़ा वरदान सिद्ध होगा अगर उस पर बहुत ज्यादा नहीं भी होता है तो आज के दिल्ली से जुड़ने के बाद वहां जो टूरिज्म बढ़ सकता है जो सबसे बड़ा फायदा इस एक्सप्रेसवे के साथ होगा कि अभी जो एक मानसिकता बनी हुई है कि वहां पे पहुंच पाना बहुत ही दुर्गम क्षेत्र है पहुंच पाना आसान नहीं है तो ये मानसिकता खत्म हो जाएगी कि लोग पहुंच सकते हैं पहुंचने के साथ साथ चूंकि दिल्ली और इस तरह के जो आ, शहर हैं यहाँ पे लोग को लोगों के पास अफोर्डेबिलिटी है लोग जाना चाहते हैं घूमना चाहते हैं एक्सप्लोर करना चाहते हैं बाहर के टूरिस्ट भी आते हैं वो भी एक्सप्लोर करना चाहते हैं और अनुज जी आज देखिए कि बुंदेलखंड में चित्रकूट है जो सबसे बड़ा मैं फायदा देख रहा हूँ कि ये चित्रकूट को जोड़ रहा है और चित्रकूट हमारे मतलब भारतीय भा, हिंदू धर्म में जो चित्रकूट का महत्व है वो किसी भी दूसरे क्षेत्र से दूसरे तीर्थस्थल से कम नहीं है पर चित्रकूट का विकास इसीलिए नहीं हो पाया क्योंकि कनेक्टिविटी नहीं है मुझे लगता है कि शायद इस कनेक्टिविटी के बाद में सरकार काम करे और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे काम हो तो बहुत टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा और इंडस्ट्रियल जोन को भी बढ़ावा मिलेगा ये सारी चीजें धीरे धीरे आपके उस बात पे लेके जाएंगी कि जो वहां किसान है जो आम आदमी है उसके जीवन में परिवर्तन आ पाए जे जाहिर तौर पर राजनीतिक विश्लेषक विजय उपाध्याय हमारे साथ जुड़ चुके हैं विजय जी कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने जा रहे हैं इस एक्सप्रेसवे से आप बुंदेलखंड के विकास को देखकर कैसे जोड़ते हैं नहीं देखिए ये कल नहीं शायद परसों जा रहे हैं 16 तारीख को जी जी माफ कीजिएगा मेरी महत्वपूर्ण है दरअसल बहुत अच्छी बातें मिश्रा जी ने कही लेकिन उसमें कुछ चीज़ें मैं भी वैल्यू एडिशन करना चाहता हूँ उद्घाटन हो जाएगा लेकिन उद्घाटन के साथ चीज़ें क्या बदलेंगी ये सवाल आपका ज़्यादा महत्वपूर्ण मुझे लगता है बदलाव सबसे पहले तो जो किसानों के प्रोडक्ट हैं जैसे इस पूरे इलाके में एग्रीकल्चर में सब्जियों का प्रोडक्शन बहुत अच्छा है जालौन में देसी घी का और साथ में सब्जियों का वहाँ भी प्रोडक्शन बहुत अच्छा है बांदा और दूसरे जो जिले हैं वहाँ के जो, जो प्रोडक्ट हैं उनको एक बड़ा बाज़ार मिलेगा तो लोकल जो जिन चीज़ों की कीमतें कम मिलती हैं जिससे किसान को फ़ायदा नहीं होता वो जब एक्सप्रेस वे के माध्यम से बड़े शहरों तक पहुँचेंगी चाहे और जल्दी पहुँचेंगी क्योंकि जो सब्जियां हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि एसी गाड़ियां तो अवेलेबल नहीं हैं तो उनको इतनी जल्दी पहुंचेंगी यानी तोड़ने के बाद अगर वो 12 घंटे के अंदर कहीं किसी मार्केट में पहुंच जाएंगी तो उससे उनको पूरा लाभ मिल सकता है और कीमत अच्छी मिल सकती है इसके लिए बहुत अच्छा है दूसरा डिफेंस कॉरिडोर uh, uh, का ये हिस्सा है तो जो डिफेंस इंडस्ट्री आ रही है करीब पचास हजार करोड़ रुपए का इन्वेस्ट होगा और तीन लाख करोड़ तीन लाख लोगों को रोज़गार मिलेगा अब कहीं भी अगर पचास हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट होता है तो एक्सेलरेटिंग इफेक्ट से वो करीब ढाई ढाई हजार ढाई सौ करोड़ का उसका इम्पैक्ट आता है तो ये जो पूरे इलाके की अर्थशास्त्र है इकोनॉमी है उसमें बड़ा बदलाव आएगा बुंदेलखंड का जो इलाका है ये जड़ी बूटियों के लिए बहुत प्रसिद्ध रहा है मुझे लगता है कि सरकारों को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए क्योंकि बहुत लंबे अरसे तक भारत के आयुर्वेद में बुंदेलखंड की जड़ी बूटियों का दबदबा रहा है लेकिन बाद के वर्षों में जब बारिश वगैरह कम हो गई सूखा ज़्यादा पड़ने लगा तो वहाँ से जड़ी बूटियाँ भी विलुप्त होना शुरू हो गई लेकिन उस ज़मीन में जड़ी बूटियों के लिए जरूरी जो इन्ग्रीडियंट हैं वहाँ मौजूद है तो वहाँ एक ये इंडस्ट्री अच्छे से ग्रोथ हो सकती है क्योंकि पूरी दुनिया में कोरोना के बाद आयुर्वेद की तरफ बहुत ज़्यादा झुकाव है इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है जो लोकल लोग हैं उनको क्या फ़ायदा होगा एक्सप्रेस वे के साथ जुड़ने से उनका ट्रांसपोर्टेशन आसान हुआ सर्विस इंडस्ट्री वहाँ पे ग्रो कर सकती है इसके साथ जो इंफ्रा, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ने के बाद दूसरे और जो छोटी आ, इंडस्ट्री हैं वो यूनिट खुलेंगी एक टाइगर रिजर्व बनाने की वहाँ बात हो रही है जो जिस पाठा के जंगलों में पहले डकैतों का जिक्र होता था और बहुत लंबी कहानियाँ उनके बारे में रोचक कहानियाँ लिखी जाती थी अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए दस साल के दरमियान वहाँ से डकैतों का उन्मूलन हुआ है अब वहाँ अगर टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा तो एक लोग घूमने आएंगे धार्मिक पर्यटन के साथ इको टूरिज़्म पर्यटन भी वहाँ संभव होगा एक और काम अच्छा हो रहा है वहाँ पर हर घर नल योजना के द्वारा सरकार पानी पहुंचा रही है तो जब पानी की कमी वहां दूर हो जाएगी तो लोगों का आना भी बढ़ जाएगा कालिंजर एक ऐसा किला है जो शौर्यता का प्रतीक है उसके बारे में कहानियां बहुत लोगों ने सुनी है लेकिन देखा नहीं है देखने के लिए पहुँच ही नहीं पाते थे अब कालिंजर और जो आलाउदल की धरती की जो शौर्य है वो लोगों को पता लगेगा और उसको रूबरू उससे साक्षात्कार कर सकेंगे और जैसा मिश्रा जी कह रहे थे पर्यटन इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा इको फ्रेंडली इंडस्ट्री है रोजगार बहुत अच्छा देती है और नुकसान कहीं से नहीं करती है कहीं कोई पोल्यूशन उससे नहीं होता है और आज पूरी दुनिया में पोल्यूशन को लेकर बड़ी चिंता है तो व, 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 इस कारि ये एक्सप्रेस से पॉल्यूशन पर भी कमी आई क्योंकि जो गाड़ी बारह घंटे में सफर तय करती थी अगर वो छः घंटे में सफ़र तय करेगी तो जाहिर है कि जो उनका डीजल का खर्चा है या जो ईंधन का खर्चा है वो बचेगा टाइम बचेगा तो एक एक्सिलरेटिंग इफेक्ट आएगा पूरी इकोनॉमी में पूरे बुंदेलखंड के जो सात आठ जिले हैं और ये इसलिए से ये एक्सप्रेस बहुत महत्वपूर्ण है आदरणीय सर जैसा आप कह रहे हैं उपाध्याय उपाध्याय जी जी विजय जहाँ के किसान के पास खाने के लिए रोटी नहीं है वो टाइगर रिजर्व पार्क का क्या करेगा जहां के लोगों के पास संसाधन नहीं है वो क्या करेगा इस एक्सप्रेस वे के बनने के बाद उनके निजी जीवन में क्या कुछ तब्दीली आएगी मैं, जानना चाह रहा हूं। इतनी देर से मैं यही बता रहा था लेकिन उसको आगे और एलिबोरेट कर देता हूं मैं जी देखिए ये कहना उचित नहीं है कि लोगों के पास खाने को नहीं है पीडीएस सिस्टम बहुत अच्छा काम कर रहा है और जो भुखमरी से मौतों की खबरें आती थी बुंदेलखंड में वो बंद हो गई 2007 हज़ार में एक बहस चली थी बुंदेलखंड के डेवलपमेंट को लेकर उस समय की केंद्र सरकार मनमोहन सिंह ने एक पैकेज दिया था बुंदेलखंड पैकेज के नाम से जिसमें उत्तर प्रदेश के सात आठ जिले और चार पाँच जिले जो मध्य प्रदेश थे दोनों को मिला के उसमें सात हजार करोड़ रुपए हिस्सा उत्तर प्रदेश को मिला था जिसमें तालाबों का जीर्णोद्धार और पेयजल की सुविधा और खेतों के पानी की बात की गई थी लेकिन वो हो नहीं पाया क्योंकि उसमें करप्शन बहुत ज़्यादा था और पैसे लीकेजेज हो गया जो सिंचाई की सुविधा बढ़नी थी जो पेयजल की सुविधा बढ़नी थी नहीं बढ़ पाई लेकिन पिछले कुछ वर्षों में वहाँ पे बहुत अच्छा काम हुआ है हम ये कह सकते हैं वो बुनियाद थी वो जो इन्वेस्टमेंट हुआ जो उसमें लूट हुई लेकिन वो सात आठ हज़ार करोड़ रुपए जो वहाँ खर्च हुए तो लोगों की जेब में पहुँचे यानी जब कोई काम कहीं होता है तो उसमें लेबर लगता है इनपुट सप्लाई होते हैं तो लोगों के पास पैसे पहुँचते हैं ठीक है करप्शन में पैसा निकल गया मान लेते हैं तीस पैसा चला गया करप्शन में योजनाएँ फेल हो गई लेकिन फिर भी लोगों की इनकम बढ़ी वो मनी इन सर्कुलेशन में वहाँ आ गई अब इसके बाद जब जब से ये योगी जी की सरकार है इन्होंने प्रोडक्शन को लेके बहुत अच्छा काम किया है गेहूं की प्रोडक्शन बहुत अच्छा वहाँ हो रहा है आ, दालों का प्रोडक्शन का सेंटर है आपको शायद ये नहीं पता होगा कि बुंदेलखंड की जो अरहर की दाल है तूर दाल वो उसका सबसे बड़ा सप्लायर बुंदेलखंड है और जब ये एक्सप्रेस बन गया या जब टाइगर रिजर्व बनेगा तो वहाँ लोग पहुंचेंगे तो वहाँ सैकड़ों की संख्या में गाइड बनेंगे तमाम ढाबे खुलेंगे होटल लॉज की जरूरत पड़ेगी जब आदमी जाता है कोई एक कहीं घूमने तो वो पैसे खर्च करता है तो जब पैसे खर्च करेगा तो दूसरे लोगों की इनकम बनेगी तो वो फिर जिसके पास इनकम आएगी वो तीसरी चीज़ों पर खर्च करेगा तो पूरा एक साइकिल मेंटेन होता है अब ये ये बात जो आप कह रहे हैं कि खाने का नहीं है वो बातें सात आठ साल पुरानी हैं और पूरे बुंदेलखंड में किसान को अगर पानी मिल जाए जैसा आप मध्य प्रदेश में बगल में देख सकते हैं गेहूं के प्रोडक्शन में आज मध्य प्रदेश हिंदुस्तान में सबसे तेज़ी से उभरता हुआ राज्य है वैसे ही अपना बुंदेलखंड भी बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेगा क्योंकि पानी अगर उनको मिल जाएगा तो वहाँ पे चूंकि वो पठार की ज़मीन है फर्टाइल लैंड है तो वहाँ पर प्रोडक्शन बहुत तेज़ी से बढ़ेगा और जो हालात ख़राब थे पिछले चालीस पचास सालों में बुंदेलखंड की बदहाली हुई थी एक शौर्य का पूरा इतिहास जिन 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 बुंदेलों का था उन्हीं बुंदेलों के लिए हम लोग बात करते थे कि उनके पास वो घास की रोटी खा रहे हैं और घास का साग खा रहे हैं हम लोगों ने भी ऐसी स्टोरियाँ की हैं लेकिन उस स्थिति में बहुत बड़ा परिवर्तन आ चुका है और उस नए नजरिए से इसको देखने की जरूरत है हाँ वापस मैं अजय जी के पास लौटूंगा अजय जी जैसा कि आपने कहा है कि धार्मिक पर्यटन के तौर पर इस पूरे इलाके को विकसित किया जा सकता है सर कितनी संभावनाएं आप यहां देखते हैं धार्मिक पर्यटन की नहीं अनुज जी धार्मिक पर्यटन के दृष्टि से बहुत संभावनाएं हैं मैं तो एक चित्रकूट की बात कर रहा हूं मैं उसको माइक्रो डिटेल पे नहीं जा रहा हूं जैसे विजय जी ने बहुत सारी चीजों को इलबोरेट किया माइक्रो स्तर पे पर मैक्रो लेवल पे भी आप देखिए तो क्या है कि बुंदेलखंड में अगर मेरे से पूछा जाए कि सबसे रिलीजियस स्पॉट के रूप में क्या है जिसकी आइडेंटिटी बढ़ाई जा सकती है जिसकी ब्रांडिंग की जा सकती है तो चित्रकूट दिखता है आप देखिए कि सरदार सरोवर बना सरदार पटेल की मूर्ति के साथ में जिस तरीके से उसकी ब्रांडिंग हुई आज वो एक बड़ा तीर्थस्थल हो गया है हम अयोध्या की वाराणसी की जहां की भी बात करें जब उन जगहों की ब्रांडिंग होती है तो लोग रजिस्टर करते हैं और लोग आना चाहते हैं चित्रकूट जहां पे हमारे आराध्य श्रीराम राम, राम। ग्यारह साल वहां पे रहे मां सीता के साथ में वहां पे एक बड़ा राम बनता है तो मुझे लगता है लोगों की जिज्ञासा है लोग आना चाहते हैं वहां पे वहां ऋषि और की कथाएं मिलती हैं तो वो पूरा जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में रिलीजियस टूरिज्म के हिसाब से बहुत पॉसिबिलिटी है पर उस पॉसिबिलिटी को हम कैसे डेवलप करते हैं मैं आ, लोग बताते हैं कि आप चित्रकूट चले जाइए वहां कोई अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है ठहरने के लिए कोई अच्छी जगह नहीं है बाकी सारी सुविधाएं नहीं है तो मेरा कहना है कि ये सारी कनेक्टिविटी जो है बहुत ही स्वागत योग्य है और इससे वो कम से कम स्पॉट पे तो होता है और कनेक्टेड होती है चीजें पर उन चीजों को फर्दर इकोनॉमी में ट्रांसलेट करने के लिए बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करने की बहुत जरूरत है जैसे कि अभी बता रहे थे विजय जी कि जैसे सब्जियां होती हैं वहां पे सब्जियां होती हैं और सब्जियों को पहुंचाने के लिए जो साधन होने चाहिए मेरे एक आ, आ, मंत्री मित्र हैं जो उसी क्षेत्र से आते हैं और उनके पास में फूड प्रोसेसिंग या इस तरह का मंत्रालय भी है वो कहते हैं कि उनके पास में ऐसे प्रावधान है कि इस तरह की इंडस्ट्रीज लगाई जाए जिसमें कि मतलब कि फूड और ये बस सब्जियों का प्रोसेसिंग करके फर्दर उनको आगे भेजा जा सकता है ऐसे प्लांट्स के लिए सरकार सब्सिडी देती है और 30-35 परसेंट की सब्सिडी मिलती है और उनका कहना है कि उन्हीं के अपने क्षेत्र में इस तरह का कोई इन्वेस्टमेंट तैयार नहीं है जबकि उनका उनके पास मंत्रालय है तो मैं कह रहा हूं कि जिस बुंदेलखंड से इस मंत्रालय को लेकर के केंद्र सरकार में मंत्री बैठे हुए हैं वो भी देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट नहीं मिल रहा है और इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे जरूरी चीज होता है एक परसेप्शन बिल्डअप होना बुंदेलखंड को लेकर के एक परसेप्शन बैकवर्डनेस का रहा है जो अभी भी मतलब एक्सिस्ट करता है जरूरत इस बात की है कि जैसे एक्सप्रेसवे एक्सप्रेस आया है हम इस परसेप्शन को भी कैसे बदलते हैं कि बुंदेलखंड एज ए ब्रांड क्या क्या कर सकता है टूरिज्म उसमें हो सकता है जैसे कि आप बता रहे थे कि दलहन है तो दलहन के लिए तो खैर दलहन कोई खराब होने वाली चीज नहीं है आप उसको फिर भी स्टोर कर सकते हैं स्टोर करके बाद के दिनों में लेकर के आ सकते हैं पर सब्जियां और फल जैसे चीज है फिर इन्होंने जैसा कि कहा कि वहां आयुर्वेदिक मतलब कि चूंकि वो क्षेत्र है पहाड़ है और पहाड़ों में बहुत सारी चीजें इस तरीके के मिलती हैं जो आयुर्वेदिक जरूरत की होती हैं तो इन सब के लिए क्या है कि जरूरत है कि या तो सरकार इन्वेस्ट करे या प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे जरूरी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है और इंफ्रास्ट्रक्चर में जरूर एक फैक्टर जो इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब कि आप सीधे नहीं जोड़ करके भी पर अलग बहुत महत्वपूर्ण है लॉ एंड ऑर्डर इसमें कोई शक नहीं है कि प्रदेश सरकार ने बढ़िया काम किया है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के सब जगह एक अच्छा परसेप्शन है पर बुंदेलखंड को लेकर अभी भी यही है कि वहां बजड़ी है रेत है इसी तरह के व्यापार है तो मेरा कहने का मतलब कि जब तक उस चीज को हम बदल करके इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में शामिल करके वहां कुछ इस तरह का डेवलपमेंट कोई बड़े प्लांट्स लग जाए कोई बड़ी इंडस्ट्री लगती है तो जैसे कि एक्सप्रेसवे से चीजें बदलती हैं उसी तरीके से एक बड़ा उद्योग का आना तमाम कई चीजों के परसेप्शन में बदलता है ब्रांडिंग उसकी होती है फिर वहां इन्वेस्टमेंट शुरू होता है तो मुझे लगता है कि हो सकता है सरकार विचार कर रही होगी इसमें कोई शक नहीं है और आने वाले दिनों में कुछ उस दृष्टि से हमें कुछ और आगे जानने को मिले देखने को मिले विजय जी आप मानते हैं कि एक्सप्रेस वे पहुंचा लेकिन बुंदेलखंड वासियों को पानी नहीं पहुंचा नहीं पानी के लिए मैंने बताया ना कि, कि पानी में इतनी जो हर घर जल सर, मैं आपको दो साल दो साल पहले ही घटना है पहले प्राथमिकता पे बुंदेलखंड के जिलों में ही काम हो रही जी जी अपनी बात पूरी कीजिए दरअसल पानी वहाँ की बहुत बड़ी समस्या है पानी एक तो वहाँ जो बारिश होती है उसका स्टोरेज नहीं हो पाता था दूसरा वो खनन का इलाका है तो वहाँ पे चूँकि मिनरल्स वहाँ बहुत ज़्यादा हैं तो उनकी रिक्वायरमेंट होती है तो कई बार पानी के रिजर्वायर बनाने में भी वहाँ शुरू में लोगों ने बहुत लापरवाही की पर्यावरण का जो इकोसिस्टम है उस पर ध्यान नहीं दिया गया लेकिन अब तालाबों का उद्धार हो रहा है वहाँ कई गांव ऐसे हैं जहाँ गांव वालों ने अपने स्वयं से अच्छे तालाब बनाए हैं और अब सरकार ने भी बनाए हैं और अब पाइप पेयजल से जब लोगों के घर तक पानी पहुँच रहा है तो ये स्थिति को पूरी तरीके से बदल देगा मतलब आप 360 डिग्री पूरा पे चेंज आएगा और इससे जो जो चिंता आपकी है वो सारी चिंताएं कई साल पुराने के हिसाब से आप पैरामीटर के हिसाब से है। नए दौर में अगर आप देखेंगे तो वहाँ से आपको सकारात्मकता नज़र आएगी दो करोड़ पर्यटक जो है अकेले चित्रकूट जाता है हर साल दो करोड़ पर्यटक अगर एक पर्यटक सौ रुपये खर्च करता है तो आप समझ लीजिए कि 200 करोड़ से ज़्यादा रुपया तो वही जाके वहाँ खर्च करके आता तो है।, है अब वो एक्सेलरेटिंग इफेक्ट उसका अलग काम करता है सिर्फ रिलीजियस टूरिज्म के लिए बुंदेलखंड को मत पहचानिए सबसे ज़्यादा इको टूरिज़्म और शौर्य के प्रतीक किले वहाँ पे हैं आ, कालिंजर अपने आप में प्राचीनता और शौर्य दोनों का प्रतीक है भारत में बहुत कम ऐसे किले हैं जिनको जीतने में सबसे ज़्यादा मुश्किलें आई हैं सेनाओं को चाहे वो आ, मुगलों की सेना हो या दूसरी कालिंजर किले को फतेह करना सबसे टफ किला माना गया वो और आ, सेना के इतिहास में ये इसका एक अलग स्थान है इसके अलावा पूरा जो इकोसिस्टम है बुंदेलखंड का वो आ, वहाँ जो जंगल है वहाँ पे तेंदू पत्ते का काम है इसके अलावा और भी तमाम दस्तकारी की चीज़ें हैं जो इस बुंदेलखंड को अनोखा बनाती हैं डिफेंस कॉरिडोर में वहाँ कुछ इंडस्ट्रीज़ बड़ी आ रही हैं उनका काम होगा इसके अलावा जब कनेक्टिविटी अच्छी हो जाएगी तो दूसरी इंडस्ट्रीज़ भी आएंगी क्योंकि वहाँ ज़मीन उपलब्ध है और वहाँ का जो मिनरल्स हैं उनको आराम से दूसरी जगह तक पहुँचाया जा सकता है तो एक पूरी तरीके से बदलाव का एक माहौल बन रहा है अब ये इसके साथ अगर एग्रीकल्चर में जो डेवलपमेंट होगा अगर सिंचाई व्यवस्था ठीक हो गई तो एग्रीकल्चर अपने आप ठीक होगा फिर रोज़गार बेहतर होने लगेगा क्योंकि आ, उत्तर प्रदेश में जो हमारा एग्रीकल्चर स्टेट है यहाँ पे सर्विस सेक्टर से जो टोटल हमारी जीडीपी है उसमें 48 परसेंट सर्विस सेक्टर से आता है ट्वेंटी थ्री से ट्वेंटी फाइव परसेंट एग्रीकल्चर सेक्टर से है बाकी जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर से आता है जो प्राथमिक सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर टर्सरी सेक्टर का सबसे ज्यादा इजाफा उत्तर प्रदेश में हुआ है तो जो आपका टूरिज्म का काम है ये तो सर्विस सेक्टर में ही आता है टूरिज्म के अलावा और भी चीजें हैं जो बुंदेलखंड को आकर्षित करेंगी आप कह रहे हैं कि टाइगर रिजर्व में लोग क्या करेंगे भूखे पेट है भूखा पेट नहीं है बुंदेलखंड बुंदेलखंड दूसरों का पेट भर रहा है और जब बुंदेलखंड दूसरों का पेट भर रहा है तो वहाँ टाइगर देखने के लिए जब लोग पहुँचेंगे और वहाँ लोगों की ये भी उत्सुकता होगी कि इस जंगल में कभी डकैत दके, डकैतों का राज हुआ करता था और अब यहाँ शेर टहल रहे हैं तो जाहिर है अच्छा फिर मंदाकिनी रिवर है चित्रकूट में जिसके रिवर फ्रंट के डेवलपमेंट की भी बात हो रही है सरकार ने चित्रकूट विकास धाम बि, चित्रकूट विकास परिषद भी एक बनाया है जिससे वहाँ पे जैसे ब्रिज मंडल विकास परिषद बनाया है वैसे ही चित्रकूट के लिए बनाया है तो इन सारी चीज़ों से समग्रता में वहाँ परिवर्तन आना शुरू हुए हैं मुझे लगता है कि थोड़े समय में ज़्यादा बेहतर तरीके से वो उन परिवर्तन का असर लोगों के सामने आएगा विजय जी मैंने कार्यक्रम की शुरुआत की थी अपने ट्वेल्थ क्लास के पढ़ी हुई एक किताब के साथ मनोरमा ईयरबुक उसमें मैंने पढ़ा था कि बुंदेलखंड के किसान आत्महत्या कर रहे हैं उसको देख कर उसको पढ़कर में बड़ा व्यथित हुआ था उसमें वो चित्र भी छपा था और आज इस कार्यक्रम के समापन के साथ मैं उम्मीद करूंगा किसी अखबार किसी पुस्तक किसी भी मैगजीन में इस तरह का कोई चित्र ना छपे हमारा बुंदेलखंड तरक्की करे आगे बढ़े इसी कामना के साथ मैं इस कार्यक्रम का समापन करूंगा विजय जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही ताजा तरीन खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट समलाइव डॉट कॉम सहारा अपना

भी। विश्व की करीब दो अरब तीस करोड़ लोगों को भोजन सामग्री जुटाने के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है संयुक्त राष्ट्र की इस रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना महामारी और उसके बाद रूस यूक्रेन युद्ध ने हालत को और विकट बनाने में सबसे अहम भूमिका निभाई संयुक्त राष्ट्र की कई एजेंसियों की ओर से संयुक्त रूप से प्रकाशित इस रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया 2030 तक सभी रूपों में भूख खाद्य असुरक्षा और कुपोषण को, को खत्म करने के अपने लक्ष्य से और दूर होते जा रही है